हेलो दोस्तों, मैं नेमी संगत कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल अंगद लैब वाला पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ टेस्ट के फैक्ट के बारे में कि कौन नॉर्मल हो, कौन ज़्यादा हो, कौन सा टेस्ट इंक्रीज हो, तो कौन सा टेस्ट हमको ज़रूरी है करवाना, क्या है उसमें डिजीज का पता लगाया जा सकता है। तो कुछ हम फैक्ट्स के बारे में जान लें, कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो है। तो उससे पहले यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जो सब्सक्राइब वाला आइकन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी प्रकार हम मैनुअल टेस्ट के बारे में आपको सिखाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ये जानने वाले हैं कि यदि आपका SGPT नॉर्मल से कुछ बढ़ा हो, यानी आपका SGPT नॉर्मल 20 से 45 होता है, तो यानी SGPT आपका 54 हो, यदि आपका SGOT भी नॉर्मल हो, तो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो यानी 45 हो, यदि आपका एल्कलाइन हाई हो जाए, ये दो टेस्ट आपका नॉर्मल हो और लेकिन एल्केनाइल आपका कितना आ जाए 200 यानी हाई आ जाए, और बिलरुबिन भी आपका नॉर्मल आ रहा है यानी बिलरुबिन भी आपका 0.9 आ रहा है, या आपको 0.4 आ रहा है, या आपको 0.3 आ रहा है, यानी आपका हम इस फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। यदि आपका SGPT नॉर्मल से कुछ ही बड़ा हो, ज़्यादा नहीं बड़ा हो यानी नॉर्मल से कुछ ही थोड़ा ही बड़ा हो, और SGOT भी नॉर्मल से कुछ ही बड़ा हो, लेकिन आपका एल्कलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपका बिलरुबिन भी नहीं है, बिलरुबिन भी आपका नॉर्मल हो, तो इस सिचुएशन में हमको कौन सा शौक होना चाहिए कि कौन सा हमको डिजीज है, क्या हो गया है। तो हमें जो ये पता रहना चाहिए, एल्कलाइन जो यानी बढ़ा हुआ, एल्कलाइन जो होता है हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट में प्रोड्यूस होता है, इंटेस्टाइन में होता है, बोन में होता है, सबसे ज़्यादा लीवर में प्रोड्यूस होता है, ये हर जगह प्रोड्यूस होता है, तो ये लीवर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो हम तो ये तो नहीं समझे कि ये लीवर डिजीज़ है, नहीं सर, ये लीवर डिजीज नहीं है। क्यों? क्योंकि SGPT थोड़ा बढ़ा हुआ, एल्कलाइन भी आपका ज़्यादा है लेकिन बिलरुबिन भी आपका नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमको कौन सा जांच और करवाना चाहिए? इस सिचुएशन में आपको कैल्शियम जांच करवा लेना चाहिए, कि कैल्शियम जांच करवा लेना चाहिए और विटामिन डी करवा लेना चाहिए। यदि आपका कैल्शियम भी आ जाता है 9.2 यानी कैल्शियम भी सही है, कैल्शियम का नॉर्मल रेंज होता है 8 से 10, तो कैल्शियम भी आपका सही है और विटामिन डी ये मेन टेस्ट हो गया है आपका। यदि कैल्शियम भी सही है तो आपका 100% ये होगा कि आपका विटामिन डी का कमी होगा, विटामिन डी का ही कमी होना है, यानी आप ये ना समझे कि हमको एल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो लीवर डिजीज है या लीवर कैंसर है, ऐसे गलत फहमी में ना फंसे, क्योंकि ये भी कारण हो सकता है कि आपका कैल्शियम नॉर्मल है, विटामिन डी करवाएं, विटामिन डी का कमी होगा, ये 100% होना ही है कि आपका विटामिन डी का ही कमी होगा, और विटामिन डी आप करवा करके, और विटामिन डी का आप नॉर्मल आपके मार्केट में टैबलेट मिल जाएगा विटामिन डी, यानी सनलाइट में 2 से 3 घंटा बैठिए, आपका डिजीज़ ख़त्म हो जाएगा, एल्कलाइन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसे लगा ये जांच के बारे में कि SGPT यदि आपका नॉर्मल से कुछ ही ज़्यादा आ रहा है, SGOT भी नॉर्मल से कुछ ही ज़्यादा आ रहा है लेकिन एल्कलाइन बढ़ के आ रहा है बहुत ज़्यादा यानी 200 आ रहा है, और बिलरुबिन भी आपका नॉर्मल ही आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको दो जांच करवाना चाहिए, कौन कौन? कैल्शियम और विटामिन डी। तो यदि कैल्शियम भी आपका नॉर्मल आ जाए, यदि कैल्शियम भी घटा हुआ है तो कैल्शियम का भी आप टेबलेट खा लें, यदि कैल्शियम आपका भी नॉर्मल ही आ जाए तो विटामिन डी का कमी होना 100% चांस है, उस समय आप विटामिन डी का भी टेस्ट करवा लें, विटामिन डी डिफिशियंसी निकलना ही, आपका लीवर डिजीज ये नहीं है। तो आई होप यू आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।